दोस्तों अगर आप लोग भी मोटो H40 लेने जा रहे हो या फिर लेने का मन बना रहे हो तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक देख लो, आपको पता चल जाएगा इस फोन को आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। दोस्तों वैसे अगर हम देखें तो इस फोन की नेट पे आपको सिर्फ खूबियां बताई जा रही है कि इस फोन में ये है ये है ये है, तो दोस्तों लेकिन आपको सारे यूट्यूबर्स रियल नहीं बता रहे क्योंकि उनको पेड प्रमोशन पैसे मिले हुए हैं। दोस्तों उसमें आपको कोई बिल्कुल रियलिटी नहीं बता रहा, रियलिटी बता रहा है लेकिन जो उसकी कमियां उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो दोस्तों आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम मोटो H40 का डिजाइन देखें तो उसमें आपको बैक में लेदर की फिनिशिंग मिल जाती है जो कि काफी बढ़िया है। दोस्तों अगर नॉर्मल फोन से कंपेयर करें तो इसमें आपको काफी कम स्क्रैच देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम दोस्तों स्क्रीन की बात करें तो आपको कर्व डिस्प्ले मिल जाता है जो कि अगर आप व्हाट्सएप चैट करते हैं तो उसमें आपको थोड़ी परेशानी आती है क्योंकि इसमें आपको मिसलीडिंग हो जाएगी। दोस्तों उसी के साथ अगर हम बात करें स्क्रैचेस की तो आपको स्क्रीन पे ज्यादा स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे नॉर्मल फोन के कंपेयर में। दोस्तों ये फोन आपको लाइट वेट मिल जाता है, यही इसकी काफी बढ़िया एडवांटेज है जो कि आपको काफी हाथ में काफी बढ़िया हैंडी फील होगा। वहीं दोस्तों अगर हम इसके डिस्प्ले की तरफ देखें, डिस्प्ले आपको काफी बढ़िया मिल जाता है, कर्व डिस्प्ले है जो कि डे टू डे टास्क में काफी बढ़िया परफॉर्म करेगा 200 यूनिट्स की पिक ब्राइटनेस के साथ। वहीं दोस्तों इसके रिफ्रेश रेट आपको 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाएगी जो कि अगर आप डे टू डे टास्क में 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ फोन चलाते हो तो आपको काफी परेशानी आएंगी जो कि बैटरी की परेशानी आएगी, आपकी बैटरी काफी कम चलेगी। ऑन स्क्रीन बैटरी टाइमिंग अगर हम देखें तो 7 से 8 घंटे की आपको मोटो H40 में ऑन स्क्रीन टाइमिंग मिल जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप 144 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ चलाते हो तो आपको इतनी टाइमिंग नहीं मिलने वाली, आप ऑटो के साथ चला सकते हो जो कि ऑटो रिफ्रेश रेट वाला इसमें ऑप्शन दिया गया जिसके साथ आपको काफी बड़े बैटरी बैकअप मिल जाएगा। वहीं दोस्तों इसमें बैटरी के साथ आपको मिल जाएगा 68 वोल्ट का चार्जर जो कि इसी प्राइस रेंज में अगर हम दूसरे ब्रांड की देखें तो आपको 120 वोल्ट तक का आपको सपोर्ट मिल जाता है इसी प्राइस रेंज में। लेकिन दोस्तों मोटो H40 में आपको काफी बड़े एडवांटेज मिल जाता है IP68 रेटिंग का भी जो कि आपको इस प्राइस रेंज में देखने को नहीं मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर हम एक नजर इसके सॉफ्टवेयर की तरफ देखें तो इसमें आपको मिल जाएगा एंड्रॉइड 13 के साथ फोन लॉन्च देखने को मिलता है जो कि काफी बढ़िया है, लेटेस्ट अपडेट आपको एंड्रॉइड का मिल जाता है। भाई दोस्तों ये फोन आपको काफी क्लीन UI के साथ देखने को मिल जाता है, इसमें आपको कोई भी ब्लूटवेयर ऐप देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं मोटोरोला से एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, मोटोरोला में आपको काफी लेट अपडेट देखने को मिलता है जो कि अगर आप नॉर्मल एंड्रॉइड फोन से कंपेयर करें तो काफी ज्यादा लेट होता है। दोस्तों ओवरऑल परफॉर्मेंस बताऊं आपको, इसमें प्रोसेसर की बढ़िया मिल जाएगा, मीडियाटेक डायमेंसिटी 8020 के साथ प्रोसेसर मिल जाता है आपको। दोस्तों काफी बढ़िया प्रोसेसर है, आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी बढ़िया निकाल के देगा। दोस्तों लगे हाथ अगर हम कैमरे की तरफ भी देख लें तो कैमरा आपको काफी बढ़िया मिल जाएगा, काफी इंप्रूव्ड कैमरा मिल जाएगा आपको। इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया है, आपको मोटो H30 से काफी इंप्रूव्ड मिल जाएगा। वहीं दोस्तों अगर आप इस फोन को लेना चाहते हो मस्ट ले सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों कल मैं आपको अपने स्टूडियो का टूर करवाने वाला हूं, तो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।